मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास जिसमें आपको एक सारणी दी गई है और ये कहा गया है कि आपको इस सारणी की सहायता से दिए गए आंकड़ों की सहायता से माध्य ज्ञात करना है, जिसमें x आपको दिया गया है 2, 5, 7, 9 और 11 और f आपको दिया गया है 1, 5, 4, 7 और 3 और आपसे कहा गया है कि आप इन आंकड़ों की सहायता से माध्य ज्ञात करें। तो देखिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो हम ये कंफर्म करें कि ये आंकड़े कौन से हैं। पिछले वीडियो में आपने व्यक्तिगत आंकड़ों की पहचान करना सीख लिया था, अब हम ये देखें कि यहां हमें एक सारणी दी गई है और आंकड़े बिल्कुल अवर्गीकृत हैं। अवर्गीकृत से मतलब सिंगल सिंगल आंकड़े आपको दिए गए हैं, अकेले आंकड़े आपको दिए गए हैं, कोई वर्ग नहीं है, वर्ग समूह नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से एक सारणी बनाएं जिसमें x और f ये दोनों मान आप इस तरह से जमा लें। x हमें दिया गया है 2, 5, 7, 9 और 11 और f हमें दिया गया है 1, 5, 4, 7 और 3। आपको इन आंकड़ों से समांतर माध्य यानी कि माध्य निकालने के लिए x और f को मल्टीप्लाई करना होगा। x और f को मल्टीप्लाई यानी कि इन दोनों ही आंकड़ों को आपको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। जैसे आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं या फिर 2 गुणा 1 बराबर 2 भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा इशू नहीं होगा। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास में 25, इसी तरह से ये हो गया 28 और ये हो गया आपके पास में 63, 33, ये आपने मल्टीप्लाई कर ली। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आप एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इस स्टेप से याद रखेंगे तो आपको सभी सवाल करने में आसानी रहेगी। आपने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। सेकंड स्टेप में आपको जो मल्टीप्लाई आपने किया है यानी एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो इन सबको जोड़ना होगा। और आप जानते हैं योग को हम कहते हैं सिग्मा, और किसको जोड़ रहे हैं आप, एफ एक्स को जोड़ रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। इन सबको आपको जोड़ना है, इनका टोटल करने पर आ रहा है 151। ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको एफ का टोटल करना है यानी सिग्मा एफ ज्ञात करना है। सिग्मा एफ जब आप टोटल करेंगे तो ये हो गया आपके पास में 20। ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप। अब हमें निकालना है एक्स बार। तो आप ये जानते हैं कि एक्स बार बराबर, यहां नया फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, यानी अब एक्स बार के लिए जब हमें अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हों तब एक्स बार के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए आपने सिग्मा एक्स अपॉन एन लगाया था, यहां पर हम सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ लगाएंगे और इस हिसाब से आपने ये वैल्यूज यहां रख दी हैं। ये आपकी फोर्थ स्टेप है, यानी जब आप सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ का भाग लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स बार मिलेगा। ये आ गया है हमारे पास 7.55, यानी एक्स बार हमें मिल गया है
7.55। इस तरह से आप अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकाल सकते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं। इसमें आपको x बार निकालना है, तो वही अभी वाले तरीके से ही आप x और f की टेबल बना लें। x मुझे दिया गया है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। f मुझे दिया गया है 30, 60, 20, 40, 10, 50। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब हमारी फर्स्ट स्टेप है f को x से मल्टीप्लाई करना। देखिए, इतना बड़ा कोई गुणा नहीं है। अगर आप सिंपल तरीके से इसे करेंगे तो बहुत ही इजी मल्टीप्लाई रहेगा। थोड़ी देर आप इस पॉइंट को भूलकर मल्टीप्लाई कर लें, यानी आपको अगर इस पॉइंट को हम भूल जाते हैं तो 30 को गुणा करना होगा 1 से। तो 30 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 30। अब पॉइंट एक संख्या छोड़कर, एक अंक छोड़कर लगा हुआ है, तो हम भी एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। सेम यही प्रोसेस बाकी सब में भी आपको करना है। जैसे यहां अगर आप मल्टीप्लाई करें तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाएं और 60 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से, तो हमें मिलेगा 120। एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दें। 20 को मल्टीप्लाई कर लें 3 से, तो हमें मिलेगा 60। एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दें। इसी तरह से इस तरह आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। ये सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड स्टेप हमारी क्या है? सिग्मा एफएक्स निकालना। सिग्मा एफएक्स कैसे निकालेंगे? इन सबको हम टोटल कर लेंगे और साथ ही साथ हम टोटल कर लेंगे सिग्मा एफ का। टोटल करने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास में है 72 और सिग्मा एफ हमारे पास में है 210। आंसर हमारा आ गया 0.34। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य निकालने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।